दोस्तों आपको एक मेल आई होगी 1 मार्च से 10 मार्च के बीच में, देखिएगा ये देखिए, नॉमिनेशन फॉर एलिजिबल ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट। इसमें अगर आप अपने किसी रिश्तेदार या अपनी वाइफ या अपने बहन के नाम पर अकाउंट खोल के या किसी भी रिलेटिव के नाम पर अकाउंट खोल के अगर आप उस अकाउंट से ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका उसका आधार कार्ड उसके पैन कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। इस स्थिति में अगर ऐसा नहीं होगा तो 31 मार्च के बाद आपके अकाउंट को बैन कर दिया जाएगा और आप एक ऑर्डर भी नहीं पंच कर पाओगे, सिंगल ऑर्डर भी नहीं पंच कर पाओगे। उसको जानने के लिए क्या करना होगा, पहले ये बताइए कि ये आपको इन्फॉर्मेशन पता थी कि नहीं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आधार कार्ड आपके पैन कार्ड से लिंक है कि नहीं, आपके लिए उसके लिए आपको यहाँ पे आना होगा eportal.incometax.gov.in पे। यहाँ पर आप डाल के अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड या यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल ही बना सकते हैं और अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं और वो चीज़ आपके ट्रेडिंग अकाउंट में अपडेट होना चाहिए। इस पर आप अपनी प्रोफाइल ज़रूर बनाइए अगर आप इनकम टैक्स पेयर हैं तो, ठीक है। और ये मेल आप अपने अकाउंट में ज़रूर चेक कीजिएगा कि आपको बीएससी इंस्पेक्शन करके आप जब डालेंगे यहाँ पर सर्च में तो ये आपके पास ये मेल आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर जाके आप चेक कर लीजिएगा कि आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड से लिंक है कि नहीं, और उसी तरीके से आपको यहाँ पर अपडेट करना होगा। यहाँ पर जाके अपनी प्रोफाइल में आपको अपना पैन कार्ड अपडेटेड दिखना चाहिए और पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इन्फॉर्मेशन है कि नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो जाके आप फटाक से ये काम कीजिए, नहीं तो 31 मार्च के बाद नो ट्रेडिंग नो ट्रेडिंग नो ट्रेडिंग, फटाफट कर लीजिए इस काम को और कमेंट में बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद, और इसको जरूर कर लीजिएगा, जरूर से जरूर कर लीजिएगा, नोटिस आपके पास आया ही होगा। धन्यवाद।